एक ऐसा बीज जिसे पानी में डालते ही बहुत विशाल पेड़ में बदल जाता है और ये पेड़ इतना ऊपर चला जाता है कि दूसरे दुनिया में रहने वाले बड़े बड़े जाइंट जमीन पर आने लगते हैं। यहाँ के लोग अपनी दुनिया को कैसे बचाते हैं ये वीडियो में आगे देखेंगे। कहानी की शुरुआत में एक बच्चा एक किताब पढ़ रहा था। उस बच्चे को लोक कथाएं पढ़ने का बहुत शौक था और उसे उसके फादर स्टोरीज भी सुनाया करते थे। उस बच्चे की सबसे फेवरेट स्टोरी वही थी कि कैसे सारे जाइंट एक बार दुनिया पे आ गए थे और वो इंसानों को भी खाने लगे थे। राजा एरिक के राज में जब ये सब चल रहा था तो राजा एरिक ने सोचा कि ये सब हमारी मानव जाति को खत्म कर देगा, मुझे जल्द ही इसका कोई उपाय निकलना पड़ेगा। तक राजा एरिक की फौज ने एक जाइंट को मार गिराया था। सभी ने मिलकर उस जाइंट का दिल निकाल लिया था। अब उस जाइंट के दिल से काले जादू को मिलाकर एक ताज बनाया। वो ताज तैयार किया गया राजा एरिक के लिए। जैसे ही राजा एरिक ने उस ताज को पहना, सारे के सारे जाइंट ने उनके सामने घुटने टेक दिए। जब राजा एरिक मर गए तब सभी लोगों ने उनके साथ में वो ताज और जादुई बीज भी दफन कर दिए। ये कहानी जैक के पिताजी उसे सुनाया करते थे। साथ ही साथ राजा एरिक की जो लास्ट पीढ़ी थी उसमें महारानी अपनी बेटी को भी यही कहानी सुनाया करती थी। कहानी हमें दिखाई जाती है 10 साल बाद, जहां जैक काफी गरीब लड़का दिखाया जाता है और अब वो अपने पेट भरने के लिए अपने पास रखी घोड़े को भी बेचने वाला था। वो अपना घोड़ा बेचने के लिए शाही गलियों में पहुंच चुका था। वहां वो देखता है कि शहर अपने मनोरंजन के लिए नाटक जैसी चीजें भी किया करते थे। उसी नाटक को देखने के लिए जैक भी वहां पहुंच जाता है। तब उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पे पड़ी रहती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि राजा की बेटी इजाबेल थी। कुछ ही देर में राजा की बेटी को कुछ बदमाश लोग छेड़ने लगते हैं। जैक वहां आगे बढ़ के उन लोगों से एक पंच भी खा लेता है ताकि वो इजाबेल को बचा पाए, लेकिन कुछ ही देर के अंदर सभी लोग आगे जाके घुटने टेक लेते हैं। वो सोचता है कि ये मेरा किया तो नहीं है, जरूर मेरे पीछे कोई लोग होंगे। तब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि शाही दस्ता इजाबेल को लेने आया था। फिर हमें रोड्रिक दिखाया जाता है, जिसके साथ राजकुमारी के पिता राजकुमारी की शादी करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी उसे पसंद नहीं करती थी और वो उससे शादी करना नहीं चाहती थी। रोड्रिक देखता है कि उनके स्टडी रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है, तो वो चेक करता है कि क्या गड़बड़ है और उसे एक गमले में से वही ताज मिलता है जो सालों पहले जाइंट के दिल से बनाया था, लेकिन एक चीज बुक से मिसिंग थी। सोल्जर को ऑर्डर देता है कि पूरे सिटी को बंद करवा दो और उस मॉन्क को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। अपना घोड़ा बेचने के लिए सिटी में आया होता है तो वही मॉन्क उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। जैक कहता है कि इसके लिए पैसे होने चाहिए जो मॉन्क के पास नहीं होता है। जीस पर वो मॉन्क जैक को कुछ बीज देता है और व्यक्ति के बारे में बताता है कि ये बीज उनको देना और तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। जिस पर जैक कहता है कि बीजों के बदले में कौन पैसे देता है। वो मॉन्क जवाब देता है कि ये कोई आम बीज नहीं है बल्कि ये जादुई बीज है जो इतने पावरफुल है कि पूरी दुनिया को बदल सकती है। कीमती भी है और इन्हें किसी भी कंडीशन पर मत खोना, और एक जरूरी बात, इन्हें पानी में तो बिल्कुल मत डालना। और वो मॉन्क जैक का घोड़ा लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन आगे जाकर वो पगडंडा जाता है। घर जाने पर जैक के अंकल उस पर गुस्सा करते हैं कि ये तुमने क्या किया, घोड़े के बदले में बीज ले आए, उस मॉन्क ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। और गुस्से में आकर वो बीज नीचे गिरा देते हैं। जैक बीजों को उठाने लगता है और एक भी लकड़ी के सुराग से नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसका जैक को पता नहीं चल पाता। बारिश हो रही थी और राजकुमारी वहां से गुजर रही थी, क्योंकि वो रोड्रिक से शादी करना नहीं चाहती थी और इसीलिए नाराज होकर वो अपने घर से निकल आई थी। बारिश से बचने के लिए राजकुमारी उस वुडन हाउस में आ जाती है। जैक को पता चल जाता है कि ये तो राजकुमारी है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। बारिश का पानी लकड़ी की सुराख से होता हुआ उस बीच में चला जाता है जो कि जमीन पर गिरा हुआ था, जबकि उस मॉन्क ने कहा था कि इस पर पानी लगने नहीं देना। और बीच पर पानी लगते ही वहां वोट पेड़ उगने लगता है, क्योंकि उस पेड़ की जड़ें घर के नीचे थी। तो वो घर को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है और राजकुमारी वहां पर फंस चुकी थी। जैक राजकुमारी को बचाने का बहुत कोशिश करता है, पर राजकुमारी उस पेड़ के साथ काफी ऊपर चली जाती है। वही अगली सुबह होश आने पर जैक के सामने इजाबेल के पिता यानी कि वहां के राजा होते हैं, जिनसे जैक पिछली रात की सारी घटना बताता है। जिस पर राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि वो सभी जैक को लेकर ऊपर जाए और राजकुमारी को सही सलामत वापस लाए। तभी रोड्रिक कहता है कि वो भी अपनी होने वाली पत्नी को बचाने के लिए जाएगा, जिसके बाद वो सभी उस पेड़ पर चढ़कर ऊपर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में रोड्रिक कुछ सैनिकों की रस्सी काटकर उन्हें नीचे गिरा देता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास चमत्कारिक ताज था, जिसकी मदद से वो जाइंट को कंट्रोल करके दुनिया पर राज करना चाहता था, जिसमें वो सैनिक उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते थे, इसलिए उसने उन्हें पहले ही मार दिया। अब थोड़ी ही देर में वो सभी जाइंट की दुनिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन रोड्रिक के अलावा किसी को अंदाजा नहीं था कि वहां उनका सामना जाइंट से होने वाला है। वहां पहुंचकर रोड्रिक जैक से चाकू की नोक पर उन बीजों को ले लेता है, लेकिन जैक चुपके से एक बीज अपने पास ही रख लेता है। अब आगे वो लोग फैसला करते हैं कि वो तीन तीन के ग्रुप में बंटकर ढूंढेंगे। पहले ग्रुप में जैक और राजा के दो सेनापति थे। वे लोग
राजकुमारी को ढूंढने के लिए जे रहे थे, पर रास्ते में जाइंट का ट्रैप था जिसमें जैक और एक सोल्जर फंस जाता है। चाकू से काटकर दोनों बाहर आ जाते हैं, पर तब तक वहां जाइंट भी आ गया था। जैक पानी में छिप जाता है और एक सोल्जर पेड़ के पीछे छिप जाता है, पर जाइंट उस सोल्जर को पकड़ लेता है। दूसरा सोल्जर उसे बचाने के लिए जाता है, वो जाइंट पे तलवार से हमला करता है, पर जाइंट पर उसका कोई खास असर नहीं होता है। फिर जाइंट दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है, पर जैक बच जाता है और वो उस जाइंट का पीछा करता है। दूसरी तरफ रॉड्रिक और उसके दो साथी होते हैं जिनमें से एक उसका चमचा था, जबकि दूसरा साथी राजा का वफादार सैनिक था, इसीलिए रॉड्रिक उस दूसरे सैनिक को धोखे से नीचे धक्का देकर उसकी भी जान ले लेता है। पर तभी वहां एक जाइंट आ जाता है और वो रॉड्रिक के साथी को खा जाता है। और इससे पहले कि दूसरा जाइंट रॉड्रिक की जान ले लेता, वो अपने बैग से वही ताज निकलता है जिसे राजा एरिक इस जाइंट के दिल से बनवाया था, और उस ताज को देखते ही वो रुक जाते हैं। दूसरी तरफ वो जाइंट दोनों सिपाहियों को अपने ठिकाने पर ले जाता है। इसका पीछा करते करते जैक भी वहां तक पहुंच जाता है और देखते हैं कि वही इजाबेल को कैद कर रखा होता है। और उन जाइंट में से दो मुंह वाला एक जाइंट जो कि उनका सरदार है, वो इजाबेल को सारे जाइंट के सामने रख देता है। तभी वो दूसरा जाइंट भी आ जाता है और दोनों सोल्जर को उसके सामने रख देता है। फिर वो जाइंट उनमें से एक सिपाही को उठाकर उससे पूछता है कि धरती तक जाने का रास्ता कहाँ है, लेकिन वो सोल्जर उसको नहीं बताता है, जिसकी वजह से वो जाइंट उसको खा लेता है। तभी रॉड्रिक भी वहां आ जाता है जो ताज पहनकर जाइंट को अपना गुलाम बना चुका था, और उस ताज की ताकत से वो सभी जाइंट रॉड्रिक के सामने झुक जाते हैं, जिसके बाद रॉड्रिक वहां सारे जाइंट को जंग के लिए तैयारी करने का बोलता है कि कल सुबह हम उस दुनिया पर हमला करेंगे और सबसे पहले इंग्लैंड को अपने कब्जे में लेकर पीडी डिडोस के सारे बड़े मुल्कों पर भी हमला करेंगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। राजकुमारी और सोल्जर उसकी सच्चाई जान गया था। अब अगले सीन में देखते हैं, राजकुमारी पिंजरे में कैद होती है। एक जाइंट सोल्जर और सुअर को किचन में पकाने के लिए ले जाता है, जहां जैक उनका पीछा करता हुआ पहुंच चुका था। जैक वो सोल्जर को बचाने के लिए जाता है, पर तभी जाइंट आने लगता है। जैक सोल्जर के हाथ में चाकू दे देता है और ऊपर चला जाता है। जाइंट उस सोल्जर और पिग को पकने के लिए आग के पास ले जाता है और राजकुमारी को पिंजरे से निकलकर काटने वाला होता है। तभी जैक ऊपर रखे चाकू को लेकर कूद जाता है, जिससे चाकू जाइंट के अंदर चला जाता है और जाइंट वहीं पर मर जाता है। फिर तीनों जमीन पर जाने के लिए उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, तो वहां पे उस दो सर वाले जाइंट ने एक जाइंट को वापस जाने का रास्ता रोकने के लिए तैनात कर रखा था, लेकिन वो जाइंट उस वक्त वहां सो रहा होता है। जिसको देखकर जैक को एक आइडिया आता है, तो उस जाइंट को रास्ते से हटाने के लिए जैक उस सोल्जर के साथ मिलकर एक बड़ा मक्खियों का छत्ता ले जाकर उस मास्टर के हेलमेट में डाल देता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो जाइंट उन मक्खियों के डंक मारने की तकलीफ से उठ जाता है और मधुमक्खियों की वजह से अपना बैलेंस खो देता है और वहां से नीचे गिर जाता है। फिर उस जाइंट से पीछा छुड़वाने के बाद वो तीनों वापस नीचे उतरने के लिए बढ़ते हैं, तो वहां सोल्जर उनको बोलता है कि तुम दोनों वापस नीचे जाकर अपने पिता और सब लोगों को रॉड्रिक की बुरी नीयत के बारे में बताओ, और मैं यहां रुककर रॉड्रिक को रोकने की कोशिश करूंगा और उस ताज को वापस लेकर दुनिया पर हमला होने से बचाऊंगा। जिसके बाद जैक और इजाबेल चले जाते हैं और वहीं जमीन पे देखते हैं कि वो जाइंट जो ऊपर की दुनिया से नीचे जमीन पर आकर गिरता है, तो राजा अपने फौज को हुक्म देता है इससे पहले कि ऊपर से और कोई जाइंट यहां जिंदा उतर के आए, इस पेड़ को काटने का काम शुरू करो। जिसके बाद सारे सिपाही उस बेल को दिन रात जल्द से जल्द काट गिराने के काम में लग जाते हैं, और वहीं ऊपर जैक और इजाबेल भी उसी पेड़ से नीचे उतर रहे होते हैं। और फिर अगले दिन सुबह होते ही जादुई दुनिया में रॉड्रिक अपने सारे जाइंट गुलामों के साथ दुनिया पर हमला करने के लिए उस पेड़ के किनारे तक आता है। जैसे ही रॉड्रिक उस किनारे तक आता है, तो सोल्जर उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से दोनों गिरकर झरने के अंदर चले जाते हैं, जहां सोल्जर रॉड्रिक को रोकने के लिए उससे फाइट करता है और वो जाइंट रॉड्रिक को बाहर निकालने के लिए उस झरने के ऊपर पत्थर को तोड़ना शुरू करते हैं। सोल्जर उसे चाकू से वार कर देता है, जिससे रॉड्रिक मर जाता है। जाइंट रॉड्रिक को बाहर निकलता है तो वो मरा हुआ देखता है। फिर वो ताज निकालकर खुद के अंगुली में पहन लेता है और सभी जाइंट का सरदार बन जाता है। वहीं नीचे जमीन पे सभी सिपाही जो उस पेड़ को काटने के काम में लगे हुए थे, तो वो पेड़ की जड़ें तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और वो पेड़ टूटना शुरू हो जाता है। सोल्जर जब ये देखता है, तो वो भी उस पेड़ पे छलांग मार देता है और उस पेड़ के साथ नीचे जमीन की तरफ आने लगता है। उसी के साथ जैक और इजाबेल भी, जो नीचे उतरने के लिए उस पेड़ पे था, वो भी तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तो जैक इजाबेल को लेकर पेड़ की एक डाल से जमीन के करीब आकर झूलते हुए महफूज जमीन पे उतर जाता है और वो पेड़ जो गिरते हुए राजा के महल तक पहुंच रही होती है, वहीं पे वो सोल्जर उस महल की बाहरी नहर में कूदकर जिंदा बच जाता है। राजा अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और सारे सिपाहियों के साथ वापस महल की तरफ निकल जाता है। फिर दिखाते हैं ऊपर जादुई दुनिया में वो सरदार जो पेड़ टूट के गिर जाने की वजह से बहुत गुस्से में हो
होता है, तभी उसको रॉड्रिक के पास से गिरे हुए वही बीज मिलते हैं, जीस को वो जाइंट पानी में फेंक देता है। और जैसे ही सारे बीज पानी में जाते हैं, वो उगना शुरू हो जाते हैं और फिर से सारे बीज जल्दी ही पेड़ में बदलने लगते हैं, जिसपे चेएच कर सारे जाइंट जमीन तक पहुँचने के लिए निकल जाते हैं। और नीचे जमीन पे जैक अपना घोड़ा लेकर वहाँ से निकलने ही वाला होता है, तभी वो ऊपर आसमान से उसी पेड़ के साथ जाइंट को जमीन की तरफ आता हुआ देखता है। तो वो घोड़ा भगाता हुआ राजा की ओर जाने लगता है ताकि सभी को बता सके। इतने में वो जाइंट जमीन पे पहुंच चुके थे और भागते हुए उन सिपाहियों और राजा को मारने बढ़ रहे होते हैं। सेनापति सारे सिपाहियों को लेकर किला महफूज करने की तैयारी में लग जाता है और किले के बाहरी नहर में तेल से आग लगा देता है। और जैसे ही सब अंदर आ जाते हैं तो किले का दरवाजा भी बंद करने के लिए सिपाहियों को लगा देता है। वो जाइंट का सरदार कूद कर किले का दरवाजा बंद होने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाहियों के हमले की वजह से वो आग की नहर में गिर जाता है और जलने लगता है। लेकिन वो पानी के अंदर चला जाता है, जहां उसको महल के अंदर जाने का एक रास्ता नजर आता है। तो वो जाइंट वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। वहीं बाकी जाइंट दरवाजा बंद होने से रोकने के रस्सियों की मदद से दरवाजे को खोलने के लिए जोर लगाता है। वहीं किले के अंदर सारे सिपाही उसको रोके रखने में जुट जाते हैं और राजा इजाबेल को कहता है कि तुम जैक के साथ जाओ और महल में रखे टॉर्च लाइट को चालू करके दुनिया भर की राजाओं को खतरे का संकेत दो। जिसके बाद इजाबेल जैक को लेकर खुफिया रास्तों से होती हुई बादशाह की बैठक तक पहुंचती है। तभी वहां जाइंट का सरदार आ जाता है और दोनों को मारने के लिए उन पर हमला कर देता है, लेकिन जैक और इजाबेल किसी तरह उसके हमलों से बचते हुए भाग रहे होते हैं। तभी वो जाइंट इजाबेल को पकड़ लेता है और उसको खाने ही वाला होता है। तभी जैक उसको बचाने के लिए हथियार उठाकर जाइंट पर हमला करने छलांग लगा देता है, तो वो जाइंट जैक को भी पकड़ लेता है और फिर जैक को खाने ही वाला होता है। तभी जैक वो बीज जाइंट के मुंह के अंदर फेंक देता है, जो अंदर जाते ही जादुई पेड़ में बदलते हुए उस जाइंट को चीरते हुए तेजी से उगने लगता है, जिसकी वजह से वो जाइंट टुकड़े टुकड़े होकर मारा जाता है और जाइंट का वो ही हाथ टूटकर जैक के पास आ गिरता है। और इधर सभी जाइंट दरवाजा खींचकर खोलने में कामयाब हो जाते हैं और सारे जाइंट किले तक आकर लोहे का दरवाजा भी तोड़ देते हैं और महल के अंदर आ जाते हैं और सभी को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि वो पेड़ पूरा किला तोड़ ढहते हुए आसमान की तरफ बांट रहा होता है और वो जाइंट भी अचानक से अपने हथियार फेंक कर अपने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि जैक वहां पे एरिक का जादुई ताज पहनकर उनके सामने आ चुका था और उस ताज की ताकत से सारे जाइंट उसके गुलाम बन चुके थे। जिसके बाद जैक सारे जाइंट को वापस अपनी दुनिया में भेजने का हुक्म देकर उस पेड़ को फिर से कटवा देता है, ताकि दोबारा से कोई जाइंट दुनिया पर हमला न कर सके। और यहां इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।